नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे उन पांच संकेतों के बारे में जो हमें बताते हैं कि हमारा हाथ ईश्वर ने पकड़ा हुआ है, मतलब ईश्वर हमारे साथ रहते हैं, वो हमारा साथ देते हैं इस जीवन को व्यतीत करने के लिए। अगर आप लोगों के साथ भी ईश्वर है, आपका हाथ भी ईश्वर ने पकड़ा हुआ है, तो आप लोगों को ये पांच संकेत जरूर प्राप्त होंगे। कई साधक ऐसा समझते हैं कि जिनके साथ ईश्वर होते हैं उनके जीवन में परेशानी नहीं आती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि आप लोगों के जीवन में बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो अपने आप ही उत्पन्न होती हैं। आप लोग ज़्यादातर बीमार रहोगे, क्यों? क्योंकि ईश्वर का कार्य है दूसरों को उनकी समस्याओं से बाहर निकालना। अगर आपके पास ये ऊर्जाएं, वो ईश्वर की, वो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, तो आप जिस परेशान व्यक्ति के पास जाओगे या फिर किसी बीमार व्यक्ति के पास जाओगे, तो आप लोग तो थोड़ा थोड़ा बीमार महसूस करोगे खुद को, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। उसकी परेशानी आपके पास आने से ही ठीक होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि जिनके साथ ईश्वर होते हैं उनके जीवन में परेशानी नहीं आती, बल्कि उनके जीवन में तो परेशानियां आएंगी ही आएंगी, क्योंकि ईश्वर का कार्य है दूसरों की सहायता करना, दूसरों की समस्याओं को समझना, उनके दुखों को दूर करना। तो जब आपके साथ ये ऊर्जाएं आती हैं तो आपके अंदर भी वो धारणा आ जाती है, ठीक है, कि आप औरों के दुखों को दूर कर सको। साथ में जिन साधकों के साथ, जिन भक्तों के पास ईश्वर होते हैं, उनकी शक्तियां होती हैं, वो अपना दुख बिना देखे औरों की परेशानियों को दूर करने में लगे रहते हैं। वो औरों की, वो किसी के लिए भी घृणा नहीं रखेंगे मन में, उनके मन में किसी के लिए छल कपट नहीं होगा। ऐसे व्यक्तियों को क्रोध बहुत ही ज़्यादा कम आएगा। ऐसी शक्तियाँ ईश्वर लाखों में से किसी एक को प्राप्त होती हैं। ऐसा नहीं है कि सभी को ये ऊर्जाएं प्राप्त होंगी, वो उन्हीं को होती हैं जो दूसरों की परेशानियों को समझना चाहते हैं, वो उनकी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, जो दूसरों के दुखों को नहीं देख सकते, जिनके मन में किसी के लिए भी घृणा नहीं है, जो अपने माँ बाप की सेवा करते हों, जो औरों की भी सेवा करते हों, जो अपने समाज के लिए सबसे पहले आते हों, उनके कार्यों के लिए सबसे पहले खड़े होते हों, तो इस प्रकार की धारणाएं उनके अंदर होती हैं। अब बात आती है पांच संकेतों की कि आप लोग कैसे जान सकोगे कि आपके साथ भी ईश्वर है, आपके साथ ईश्वर की शक्तियां हैं। तो सबसे पहला संकेत है कि आप लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जिस साधक के पास ईश्वर होते हैं और उनके साथ चलते हैं, तो उस साधक का जो आत्मविश्वास है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उनके मन में कभी भी नेगेटिव विचार नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो बहुत ही कम मात्रा में। ऐसे साधक जो अपने आत्मविश्वास के साथ हर कार्य को पूरा करने में सक्षम हों, जो अपने संकल्प पर अड़े रहें, अक्सर ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है कि जो वो बात ठान लेते हैं मन में वो पूरा करके ही छोड़ते हैं। उन लोगों को अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास होता है जिन साधकों के पास ईश्वर होते हैं। और ऐसे में जैसे आप लोगों के जीवन में कोई परेशानी जब आती है, तो आप लोग बिना कोई रास्ता होते हुए भी, जैसे आपके जीवन में कोई परेशानी आई, आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है उस परेशानी से बाहर निकलने का, लेकिन फिर भी आप लोग उन परेशानियों से अचानक ही बाहर आ जाते हो, अचानक ही आपकी समस्याएं छू मंतर हो जाती हैं, अचानक ही वो गायब हो जाती हैं। आप लोगों के जीवन में जो आपका जीवन होगा वह बहुत ही ज़्यादा संघर्ष भरा होगा, मतलब कि कठिनाइयाँ तो बहुत आएंगी, लेकिन उन कठिनाइयों को आप बड़ी ही आसानी के साथ पार हो सकते हो उन कठिनाइयों से। आपने देखा होगा कि जैसे आपके जीवन में भर भर कर परेशानियाँ आएंगी, इसको बोला जाता है कि संघर्ष, ठीक है। आप लोग ऐसा संघर्ष करते हो इस जीवन में, आप लोगों को हर एक अच्छे व बुरे इंसान की परख हो जाती है, आप लोगों का जो आत्मविश्वास है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है खुद के ऊपर व अपने देवी देवताओं के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर। और जब आप उन परेशानियों से अचानक ही बाहर आ जाते हो, तो आप लोग समझते हो कि जैसे किसी ने ना किसी ने, मतलब कि ना ही कोई इंसान,
एक बोला जाता है ना कि जो ईश्वरीय शक्ति होती है, ईश्वरीय मदद होती है, वो ऐसे लोगों को मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, आपके जीवन में परेशानी आई और छू मंत्र अपने आप ही हो गई। तो ऐसे व्यक्ति जिनका भाग्य अचानक ही चमक जाता है, ठीक है, और वो बिल्कुल एंड टाइम पर चमकेगा, जब आप लोगों की वो समस्या बिल्कुल लास्ट स्टेज पर आ जाती है, उसी समय पर कोई ना कोई रास्ता निकल कर आपके सामने आ जाता है। तो ऐसे लोगों का हाथ ईश्वर ने थामा है, इसीलिए वो हर परेशानी से बाहर आ जाते हैं। इसीलिए उनके जीवन में संघर्ष तो बहुत होता है, कठिनाइयाँ तो बहुत आती हैं, लेकिन वो अपने आप ही उन परेशानियों से बाहर आ जाते हैं। ऐसा संकेत मिलने पर भी आप मान सकते हैं कि ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। इसी प्रकार बात आती है दूसरे संकेत की। दूसरा संकेत क्या होगा? वह आपके मन के द्वारा होता है। अक्सर ऐसे लोग औरों की समस्याओं को दूर करने में लगे रहते हैं, चाहे उनका कोई दुश्मन भी उनके सामने परेशानी लेकर आता है तो वह उसको एक सुझाव देना पसंद करते हैं। अक्सर ऐसे लोगों से लिया हुआ सुझाव बहुत ही सही माना जाता है और वो होता भी सही है। ऐसे लोगों के पास जिनके पास ईश्वर है, उनकी तरंगे हैं, ईश्वर की शक्ति है, अक्सर ऐसे लोग दूसरों को इतने अच्छे सुझाव देने में सक्षम बन जाते हैं कि जैसे आपको किसी ने अपनी परेशानी बताई और आपके साथ ईश्वर है, तो जब वो व्यक्ति आपको कोई परेशानी बताएगा तो आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके विचारों में अचानक ही उस परेशानी का जो एक सही रास्ता है उससे बाहर निकलने का, वो रास्ता आपके दिमाग में अपने आप ही आना शुरू हो जाता है। सही फैसले समझने की और सोचने की जो शक्ति है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, सोचने समझने की जो क्षमता है वो बहुत ही अधिक हो जाती है। अक्सर ऐसे लोगों को अकेला देखा गया है कि ये लोग जो होते हैं जिनके पास ईश्वर है वो ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करेंगे, अकेले ही बातें करना पसंद करेंगे। ठीक है, वो ज़्यादातर अपना जो समय है वो ध्यान में बिताना चाहेंगे, अक्सर वो पूजा पाठ करेंगे। ठीक है, इस प्रकार का कोई संकेत अगर आपको मिलता है तो आप समझ जाएं कि ईश्वर ने आपका हाथ थामा हुआ है। इसी प्रकार बात आती है तीसरे संकेत की। तो तीसरे संकेत में बताया गया है कि जिन साधकों के पास ईश्वर होते हैं तो ऐसे लोगों की जो रुचि है वो अपने इष्ट देव के प्रति बहुत ही ज़्यादा गहरी होती है। ऐसे लोग समाज सेवा में सबसे आगे रहना पसंद करते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करना पसंद करते हैं, साथ में वह अपने इष्ट देव की पूजा पाठ करने में बहुत ही ज़्यादा मन लगाव होते हैं। अधिकतर ध्यान आप लोगों को करना पसंद रहेगा। ठीक है, और जब आप पूजा करोगे तो पूजा में भी एक अनेकों प्रकार के जो अनुभव हैं तो आप लोगों के साथ होने लगते हैं। साथ में आप लोगों को पूजा करते समय कोई आवाज़ें भी सुन सकती हैं, कोई धुन, जैसे कोई धुन होती है ना कि जैसे शंख बज रहा है या फिर मंदिर की घंटियां बज रही हैं या फिर बांसुरी की धुन या फिर कोई ऐसी मधुर आवाज़ आपके कानों में पड़ सकती है। अचानक ही आप लोगों के कानों में कोई शब्द सुनाई देना शुरू हो जाए तो इस प्रकार के जो संकेत हैं वो ऐसे साधकों को मिलने लगते हैं। अक्सर देखा गया है कि जब आपके जीवन में कोई घटना घटित होने वाली होती है तो वह उस घटना के प्रकार से आपको एक आवाज़ आपके कानों में पड़ जाती है। जैसे आप लोग कोई गलत कार्य करने जा रहे हो तो आपके कानों में अचानक से एक ऐसी आवाज़ लग सकती है कि जिससे आप उस कार्य को करने से रुक जाते हो तो वह घटना टल जाती है। तो इस प्रकार से भी आप लोगों को आवाज़ों के द्वारा संकेत प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार से बात आती है चौथे संकेत की। चौथे संकेत में बताया है कि ऐसे व्यक्तियों का जो लगाव है वह जानवरों के साथ बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है। ऐसे लोगों को कुत्ता हुआ, बिल्ली या फिर अन्य जानवरों के साथ उनका लगाव बहुत ही ज़्यादा होता है। और आप लोगों को हरी भरी पहाड़ियाँ पसंद आती हैं, बहता हुआ पानी आपके मन को बहा देता है, साथ में जो पर्यावरण है जैसे पहाड़ियाँ, बहता हुआ पानी और पेड़ पौधे, तो इस प्रकार से ऐसे चीज़ों को देखना व ऐसे स्थान पर रहना जहाँ पर शांत माहौल हो, तो ऐसे में रहना आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अधिक
पसंद आएगा। अगर आप ज़्यादा शोर शराबे में या फिर भीड़ में जाएंगे तो आप लोगों को घुटन महसूस होना शुरू हो जाती है। तो यह सब संकेत या फिर लक्षण अगर आपको भी खुद में दिखते हैं, आप लोगों को भी ज़्यादा भीड़ में रहने से घुटन महसूस होती हो या फिर ज़्यादा शोर शराबे से आपको तकलीफ़ होती हो और आपको भी पर्यावरण के साथ आपका लगाव हो, ठीक है, साथ में जैसे आप लोग चंद्रमा रात्रि में जब चंद्रमा निकलता है तो आप लोग उसको देखकर अपने मन को शांत करते हो, जैसे तारे हैं, अब तारों को देखोगे और आपका मन शांत हो जाएगा। मतलब कि जो कि प्राकृतिक चीज़ें हैं उनमें आपका जो मन है, जो लगाव है, वो बहुत ही ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ भी ईश्वर जरूर है। तो इसी प्रकार से बात आती है पांचवें संकेत की। पांचवा संकेत क्या है? पांचवा संकेत आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय पर मिलता है। अक्सर ऐसे लोगों को नींद बहुत ही ज़्यादा कम आएगी और अगर आएगी तो वह ऐसा होगा कि सुबह मध्य रात्रि जो है, ठीक है, जो मध्य रात्रि में आप लोगों को नींद हल्की आएगी, साथ में ब्रह्म मुहूर्त जो कि सुबह 3 से 5 के बीच होता है, उस समय पर आपकी नींद खुलना शुरू हो जाती है। अचानक ही आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय कोई आवाज़ आती हो या फिर आपको किसी ना किसी प्रकार से आपकी नींद टूटेगी ही टूटेगी, जिन लोगों के साथ, जिन साधकों के साथ ईश्वर की शक्तियां हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का वो समय होता है जिसमें ईश्वर की अनेकों ऊर्जाएं जागृत हो जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय आपकी नींद खुलना शुरू हो जाती है, साथ में आप लोगों को सपने में शिवलिंग दिखाई दे सकता है, अपने इष्ट देव के दर्शन आपको बार बार होते हुए नजर आएंगे। मंदिर ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा अधिक नज़र आते हैं, ठीक है, देवी देवताओं की तस्वीरें, मूर्तियां आप लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। साथ में जब आप किसी मंदिर में जाओगे तो आपकी आंखों से आंसू आ सकते हैं, मुख से उबासियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो इस प्रकार के संकेत भी अगर आपको मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। तभी आप लोगों को ईश्वर से मिलती जुलती चीज़ें नज़र आएंगी और वह संकेत प्राप्त होंगे। साथ में अगर कोई किसी साधक को परेशानी है, समस्या है, वो हमसे कोई बात करना चाहता है तो बात कर सकता है, वह अपनी परेशानी हमें बता सकता है। बात करने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिया गया हमने व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके अपनी समस्या को बता सकते हैं। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।